रणवीर कपूर और आलिया भट्ट अपनी अगली फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन के लिए उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे, जहां उनके साथ फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी मौजूद थे, जहां पूरी टीम को हिंदू संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी काले झंडे लेकर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और हंगामा शुरू किया। स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रित किया। इस दौरान की कुछ वीडियो भी सामने आई है, जिसमें प्रदर्शनकारी खुद को बजरंग दल के कार्यकर्ता बता रहे हैं और फिल्म का विरोध कर रहे हैं। कुछ नहीं, हम यहाँ पर रणवीर कपूर का विरोध करने के लिए आए हैं। उसने हमारी गाय माता को लेकर अश्लील बयान दिए हैं, गो माता को लेकर, गो माता के बीफ को लेकर हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। और यहाँ पर हमसे विरोध करने आए तो प्रशासन ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है। हम प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध करते हैं और इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे। रणवीर कपूर, आलिया भट्ट इस महाकाल बाबा के मंदिर में नहीं घुसने देंगे। उसको मीडिया के चैनल के ऊपर रणवीर कपूर कहता है कि बीफ खाना अच्छी चीज है, तो ऐसे गोभक्षक को बाबा महाकाल के मंदिर में नहीं घुसने देगा बजरंग दल। पूरे देश में उसका विरोध करता है और आज यहाँ पर वो अगर आया है तो उसको मंदिर नहीं जाने देंगे। पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता, हम यहाँ पर काले झंडे दिखाने आए हैं। हमने उसके अलावा हम बड़े शांतिप्रिय तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। हमने सिर्फ काले झंडे दिखाने यहाँ पर आए थे। पुलिस की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता के साथ पुलिस ने मारपीट करी है और उसको अंदर लेकर गए। प्राथमिकता से प्रथम हमारा जो आग्रह है, पहले तो ये है कि हम रणवीर कपूर जा रहा है उसका विरोध करेंगे, उसके बाद जाके जो इन्होंने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट करी है उसका हम विरोध करेंगे। बताया जा रहा है कि सारा विरोध रणवीर कपूर के एक पुराने बयान को लेकर हो रहा है। इस बयान में रणवीर कपूर ने कहा था कि उन्हें बीफ पसंद है और वे बीफ लवर है। अब उनकी इस पुराने बयान को लेकर विरोध किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाकाल मंदिर के बाहर बिगड़े माहौल के चलते अयान मुखर्जी अकेले ही महाकाल के दर्शन करने और संध्या आरती के लिए पहुंचे। सोशल मीडिया पर इसकी कुछ वीडियो सामने आई है, जिनमें केवल अयान मुखर्जी को संध्या आरती में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। काम का तो करूँगा ना यार, मेरे को डाल दो जेल में।